हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। प्रेम कौशल ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले दो बार बिना विपक्ष के सरकार चला रहे थे, जनता के ऊपर फैसले थोप रहे थे। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो मजबूती से लोक हितों को लेकर संसद में बात कर रहे हैं, मोदी सरकार के मनमर्जी से लिए गए फैसलों पर कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं प्रेम कौशल ने हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर विवादास्पद बयान देकर लाइमलाइट में बने रहते हैं। बीते दिन अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में सही शब्दावली का उपयोग नहीं किया है, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कोई जाति नहीं है, इस बयान का वे कड़ा विरोध करते हैं। राहुल गांधी के परिवार का देश के स्वतंत्रता संग्राम में गहरा महत्व रहा है। प्रेम कौशल ने कहा कि उस बयान को लेकर प्रधानमंत्री की पेज से सराहना की जा रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज जिन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी संसद के अंदर जाके बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जो मैंने जैसे कि कहा कि पिछले जो दो कार्यकाल सरकार के केंद्र के रहे उनमें कोई नेता प्रतिपक्ष था नहीं, एक जो डेजिग्नेटेड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो नहीं था, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये आदत पड़ गई कि विपक्ष के बिना सरकार चलाओ, मनमानी करो, जिस तरह के मर्जी कानून पास करो, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है करो, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज आप देखिए संसद के अंदर देश के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश के नौजवानों के मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी बात कर रहे हैं, देश का जो दलित समाज है, पिछड़े लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, आज उनकी आवाज़ जो राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ राहुल गांधी बुलंद कर रहे हैं, अग्निवीर के मुद्दे को राहुल गांधी ने जोर शोर के साथ जो है संसद के अंदर उठाया है, नीट के जो पेपर लीक हुए और देश के अंदर जो एक पेपर लीक की जो एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक ट्रेंड चला है उसको मुद्दे को लेकर बड़ी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने सरकार की घेराबंदी की है। तो आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिस जबरदस्त तरीके से देश के मुद्दों को, समाज के मुद्दों को और देश के लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए भी विचलित है, परेशानी में है, और उनकी परेशानी अगर उनके चेहरों को आप देखें तो उनसे स्पष्ट झलकती है। अब जो मनमानी करने का एक दौर था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रियों का, वो दौर में समझता हूँ समाप्त हो गया है कि हमारे हमीरपुर के सांसद जो इस बार मंत्री नहीं बन सके, शायद इस फ्रस्ट्रेशन में भी है कि उनको केंद्र के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला और वो हमेशा से विवादास्पद बातें करके, कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करके अपने आप को लाइन राइट में रखने का प्रयास करते हैं। कल उन्होंने संसद के अंदर, प्रत्येक सांसद को संसद में बोलने के कुछ विशेषाधिकार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ नैतिकता का भी एक तकाजा है जिसको ध्यान में रखते हुए, चाहे आपको विशेषाधिकार ही है लेकिन आपको बात करनी चाहिए, अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत मतगणना के खिलाफ हैं और वो ये समझते हैं कि जाति का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो मेरा सवाल है इससे अनुराग ठाकुर से एक कि उनके पिता प्रेम कुमार धूमल लिखते हैं अपने नाम के साथ और उनके जो भाई हैं अरुण, वो भी अरुण धूमल लिखते हैं, अनुराग जी ने अनुराग धूमल क्यों नहीं लगाया, वो अनुराग ठाकुर क्यों लिखते हैं, तो अपने नाम के साथ वो जाति को क्यों जोड़ते हैं, ये दोगली बातें हैं। अपने साथ तो उनको जाति को जोड़ना अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा अगर कोई बात कर रहा है जाति के ऊपर, और इसमें क्या गुनाह है, देश में किस समाज की और किस वर्ग की क्या संख्या है, अगर वो मतगणना में आ जाए उसमें आपको क्या दिक्कत है, तो इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, मैं समझता हूं कि देश के अंदर इनको आदत हो गई है कि विपक्ष जो है वो था नहीं और इनको लगता है कि ठीक है हम मनमाने तरीके से सब कुछ जो है जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की उस मानसिकता के ऊपर, उस सोच के ऊपर एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर के तौर पर जो है वो राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं।